अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। क्लास वन, लेट्स ओपन योर बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 22, वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं। हाउसेस, मकानात। अनम हैज़ अ हाउस फॉर हर डॉल्स। अनम के पास अपनी गुड़ियाओं के लिए या गुड़िया के लिए घर है। हेयर इट इज़, ये रहा, हम पिक्चर में देख सकते हैं, एक ब्यूटीफुल सा हाउस है। ये किसका है? अनम की, डॉल्स का। वी आर नीड अ प्लेस टू लिव इन, हम सबको रहने के लिए जगह की ज़रूरत है। द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड आवर होम, वो जगह जहाँ हम रहते हैं घर कहलाता है या उसे घर कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, तमीराती मवाद। होम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, घर जो हैं मुख्तलिफ मवाद से बनते हैं। सम आर मेड ऑफ मड, कुछ मिट्टी से बनते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चर में हमें मिट्टी से बना हुआ घर दिखाई दे रहा है और ये कितना ब्यूटीफुल घर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट, कुछ ईंटों से, रेत और सीमेंट से बनते हैं। सम आर मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉ, कुछ हमें पिक्चर में किन किन चीज़ों से बने हुए दिखाई दे रहे हैं? यस, वुड एंड स्ट्रॉ यानी लकड़ी और तिनकों से बना हुआ। इट्स सो ब्यूटीफुल हाउस। सम हैव पार्ट्स मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल, कुछ हिस्से ग्लास और मेटल से यानी धात से, शीशे और धात से बने होते हैं, जो कि हमारे मकान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। हमारा घर तो पहले ही खूबसूरत होता है, लेकिन उसको मज़ीद ये चीज़ें ब्यूटीफुल बना देती हैं और हवादार बनाती हैं। तो बच्चों, आज आपकी आज की रीडिंग यही थी। पेज नंबर 22 एंड 23 आपकी रीडिंग का है। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है। इसकी रीडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। थैंक यू।